नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ओआरओपी पर पूर्व सैन्य कर्मियों ने खत्म की भूख हड़ताल। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा की, लेकिन कहा कि जब तक सभी मुद्दे हल नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सैनिकों के संगठन के नेता मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि जब तक पूर्व सैनिकों की तरफ से उठाए गए चार खास बिंदुओं को सरकार मान नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सिंह ने कहा कि हम एक रैंक एक पेंशन के वादे को पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हैं। हम रक्षा मंत्री का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पेंशन में समानता लाने समेत चार मुद्दों का समाधान किया जाना है। दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से की शादी। सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से अगस्त महीने में तमिलनाडु में शादी कर ली है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दिग्विजय सिंह के करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 68 वर्षीय कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने 44 साल के अमृता से शादी कर ली है। साथ ही बताया कि वे अभी अमेरिका में हैं। हालांकि अमृता राय ने भी यह जानकारी फेसबुक पर दी। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि मैंने दिग्विजय सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली है और इसकी कानूनी मान्यता भी हासिल कर ली है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मुसलमानों ने छेड़ रखा है आबादी जिहाद। जनगणना के आंकड़ों को भयावह और गहरी चिंता पैदा करने वाला बताते हुए एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया कि देश की जनसंख्या नियंत्रित करने के अन्य समुदायों के प्रयासों के साथ सहयोग करने की बजाय मुस्लिम इसे अपनी आबादी बढ़ाने का अभियान बना रहे हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हुई एक बैठक में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि देश में अन्य समुदाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय सहयोग करने की बजाय इसे अपनी आबादी बढ़ाने के अभियान के तौर पर ले रहा है, जो कि चिंताजनक है। सभी राज्यों को एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाना चाहिए।